नमस्कार दोस्तों, मैं राजदेव सर और मैं आपका स्वागत करता हूं जीएस विथ राजदेव सर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राष्ट्रपति हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसका 10 पार्ट में हम लोग कंप्लीट किए हैं, आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। राष्ट्रपति का लेक्चर देखिए, राष्ट्रपति का लेक्चर देखिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, दोनों का कंटेंट मिलता जुलता है। लेकिन इससे पहले अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं और पूरा मैं पढ़ाऊंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। आज बात करेंगे उपराष्ट्रपति। तो देखिए, उपराष्ट्रपति मैं एक ट्रिक दूंगा, जिस तरह से मैंने एक ट्रिक दिया था राष्ट्रपति में, पकानी कोका दियो दशम, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक कंप्लीट कर दिया था एक ही ट्रिक में, जाके आप देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट पर है। उसी तरह से एक ट्रिक है, उसका ये ट्रिक है, उसका निकाचुस, ये उपराष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल हैं सब क्लियर हो जाएंगे एक ही ट्रिक में। देखिए, वो जो होता है उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में है, और ये अगर यदि पूछे कि उपराष्ट्रपति का पद हमारे देश के संविधान में कहां से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद हमारे देश के संविधान में यूएसए से, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद स से क्या कहता है, सभापति। तो ये सभापति क्या होता है, यानी राज्य सभा का सभापति। कहने का मतलब उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी सदन के, कहने का मतलब ये हाउस है और ये लोकसभा और ये राज्यसभा, तो ये लोकसभा और राज्यसभा किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं। आर्टिकल 64 में कहता है सभापति। तो ये सभापति क्या है, सभापति, सभापति जैसे कि ये लोकसभा और राज्यसभा इसमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये उपराष्ट्रपति ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगर यदि क्वेश्चन पूछ दे कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के या राज्यसभा के, ऑप्शन में दोनों मिल सकता है, तो हम लोग याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। और अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है, वेतन एवं भत्ते मिलते हैं, वो राज्यसभा के सभापति के नाम पर मिलता है या उपराष्ट्रपति के नाम पर, यह भी क्वेश्चन फंसा सकता है, पूछने वाले कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे उपराष्ट्रपति को, किताबों में तो मिल जाता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, लेकिन ये हम लोग जानेंगे कि उसको मिलता आखिर किस पोस्ट के लिए, तो उसको उपराष्ट्रपति के पोस्ट के लिए नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को जो वेतन एवं भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलते हैं, वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है ना कि राज्यसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य नहीं होता है, सभापति होने के नाते उसको पेमेंट मिलता है। अब कहता है आर्टिकल 65 कार्यवाहक, ये कार्यवाहक क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता है, ना के बराबर काम होता है, उसका काम वही होता है सभापति संभालना, यानी जिस तरह से लोकसभा यहां होता है, लोकसभा का एक स्पीकर होता है, लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है और राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति यानी चेयरमैन कहते हैं, इसको चेयरमैन कहते हैं, इसको स्पीकर कहते हैं, यानी इसको हिंदी में इसको अध्यक्ष कहते हैं, इसको हिंदी में सभापति कहते हैं, इसको इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं, इसको इंग्लिश में चेयरमैन कहते हैं। तो ये चेयरमैन जिस तरह से ये इसका अध्यक्ष का काम होता है, लोकसभा अध्यक्ष का, जैसे कोई भी लोकसभा में जब बहस हो जाती है तो नहीं आप बैठिए, उसको बोलने का मौका दीजिए, जिस तरह से अभी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, मेंटेन करते हैं, उसी तरह से उपराष्ट्रपति का काम होता है, उसको फंसा के रखता है सरकार वहां। राज्यसभा में जितने भी, जैसे 245 मेंबर है, तो 245 मेंबर में जब बहस छिड़ती है तो किसको क्या बोलना है, कब बोलना है, क्या सही है क्या गलत है, तो वो सब चीजों को ये संभालते हैं, वही काम होता है सभापति का। यानी ये कार्यवाहक जो होता है, तो कार्यवाहक उस टाइम होता है जब राष्ट्रपति किसी भी प्रकार से उसका आकस्मिक निधन हो जाए या महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाए या इस्तीफा दे दे। आर्टिकल 62 में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का पद रिक्त किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, तो अगर यदि उसको नहीं देखें तो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा बताया था किन किन परिस्थितियों में रिक्त होता है। तब आखिर जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तब उस समय
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर जाते हैं, यानी ऑटोमेटिक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं, और उन समय राष्ट्रपति का पेमेंट मिलता है उसको, ना कि सभापति का पेमेंट मिलता है। अब राज्यसभा में एक तो सभापति होता है और एक होता है और उपसभापति, उपसभापति। तो जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पोस्ट पर चले जाते हैं उस समय उपसभापति राज्यसभा के सभापति बनते हैं और उसको सभापति का वेतन उस टाइम मिलता है। लेकिन ये जो कार्यवाहक राष्ट्रपति जब बनेंगे उस समय राष्ट्रपति के सारे शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और जो भी वो कानून बनाएंगे वो सब मान्य रहेंगे। जैसे कि हमारे देश में अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कोई राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है, ना ही कोई इस्तीफा दिया है, लेकिन दो ऐसे राष्ट्रपति जिनका निधन हो गया था कार्यकाल के दौरान, मैंने ट्रिक भी दिया था, जाकिर फकीर है, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, तो दो का मृत्यु हुआ तो दो कार्यवाहक राष्ट्रपति। और उसमें भी एक थोड़ा सा बताया था मैंने कि वीवी गिरी जो थे वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने और फिर उसको रिजाइन मार दिए चुनाव लड़ने के लिए, तो वहां एक और बन गए थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये जो सीजीआई के थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उपराष्ट्रपति के पोस्ट पर आए और वहां राष्ट्रपति के पद पर चल गए। तो इस तरह से तीन कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब बात आती है नी से निर्वाचन, जो आर्टिकल 66 में, तो निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन हम लोगों ने जाना था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, ना कि नॉमिनेट सदस्य, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, और विधानमंडल के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, फंसाने वाला क्वेश्चन है कि इसमें निर्वाचन में क्या लोकसभा राज्यसभा और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे? जी नहीं, यहां भाग लेंगे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, अर्थात कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे और राज्य के विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे, जबकि राष्ट्रपति में भाग लेते थे। अब आता है का से कार्यकाल, तो ये हम लोग जानते हैं कि भारत में अधिकतर 5 साल का कार्यकाल, जैसे राष्ट्रपति का 5 साल हो गया, उपराष्ट्रपति का 5 साल, मुख्यमंत्री का 5 साल, लगभग का 5 साल होता है, लेकिन राज्यसभा की बात करें तो 6 वर्ष का हो जाएगा। तो ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, इसलिए इनका भी कार्यकाल 5 वर्षों का ही रहता है। चू से चुनाव, जो आर्टिकल 68 में है, यहां लिखा गया है संविधान में कि अथाशीघ्र जब उपराष्ट्रपति का पोस्ट खाली हो तो अथाशीघ्र चुनाव करा लेना चाहिए, लेकिन उसमें कोई डेट निर्धारित नहीं है। जिस तरह से राष्ट्रपति की कुर्सी 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रह सकता है, तो यहां इसका रह सकता है, लेकिन फिर भी लिखा है कि अथाशीघ्र चुनाव हो जानी चाहिए। अब शास्य शपथ, इसका शपथ कौन दिलाते हैं? तो शपथ इसका राष्ट्रपति दिलाते हैं, जो आर्टिकल 69 में है। अब बात करेंगे कि राज्यसभा, अब ये तो हम लोग जानेंगे कि अभी के उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, अभी अगर यदि जानते हैं कि प्रथम उपराष्ट्रपति, तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1952 से 1962 लगातार 2 कार्यकाल तक रहे थे। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ये तो याद रख लेते हैं कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लेकिन वही अगर यदि एग्जाम वाले फंसा के पूछते हैं एग्जामिनर कि बताइए कि प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो प्रथम राज्यसभा के सभापति भी वही होते हैं, रटना नहीं है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो 2 बार ये सभापति। अभी जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अभी वर्तमान में सभापति कौन है, राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है, तो हम लोग जानेंगे कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन होंगे, वही तो राज्यसभा के सभापति होंगे, पदेन अध्यक्ष होंगे। तो अभी है वेंकैया नायडू, ये हैं वर्तमान सभापति। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति का ये जानेंगे कि किस प्रक्रिया, उसका महाभियोग प्रक्रिया से कैसे हटाते हैं और कौन से सदन से शुरुआत किया जाता है और उसके बनने की योग्यता क्या है, उसका चुनाव क्या है, संपूर्ण जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।